पति साधु का क्या करें, तुमने जानबूझ के बोला था कल बताया थे महाराज जी, हमने जानबूझ कर निष्कालम बोला था। अच्छा तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं इसमें क्या है, वो भक्ति है, वो गुरु भक्ति है, पंचगुरु भक्ति नहीं गुरु भक्ति है, जिसमें तीनों है वो गुरु भक्ति है, और आचार्य भक्ति में केवल आचार्य की वंदना होगी। आचार्य के अंदर भी ये गुण देखे जाते हैं ना, क्या उपाधि और गुणी की अपेक्षा से बोलने के बाद फिर तीन बोलने की आवश्यकता नहीं, आचार्य में सब आ गया, अलग से दो क्या बोलना है, आचार्य वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी, कल बताया है। अच्छा शेष गुण समझ के नहीं बोला और शिक्षा निकाली होती नहीं, जैसे अरिहंत की पूजा करते हैं तो 46 मूल गुणों से सही करते हैं, तो भले वो तो सिर्फ तीर्थंकर की है 46, तो उनके पूरे होते ही नहीं, तो भी 46 मूल गुण की बोली हो चुकी है, जैसे इसमें नहीं लगा गर्मी आ रही थोड़ी सी, तो क्यों थोड़ा प्रकाश के लिए लाइट शुरू करें, देख सकते हैं वास्तव में ऐसा है कि आयरीय भक्ति का औसकों को जो पद है ना उसमें आयरियाण मंचे पूजे मसाम नमन स्वामी तो संगत बैठता है, उवच्छायण और शब्द श्रवण नहीं बैठ सकता वहाँ, अपन कितनी भी युक्ति लगा ले फिर अपन वो गुरु भक्ति है ही अलग से जिसमें तीनों को अपन कर रहे हैं, फिर आचार्य प्रणित में आता है तो फिर अपन उसको कैसे वो करें, कैसा आचार्य मतलब ग्रंथों में सब जगह आया हुआ है तो अपन उसको कैसे ना, कौन से ग्रंथों में क्या मतलब जो चलता वो चलता आना अलग बात है, नहीं पुस्तक में आचार्य इस पर कोई टीका नहीं है ना आचार्य, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि ये आचार्य भक्ति के अंचल का है, ये गुरु भक्ति के अंचल का है। आप देखिएगा मूलाचार में प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापना में जो भक्तियाँ दी हैं वहाँ पर आचार्य भक्ति नहीं दी है, पर स्वाध्याय प्रतिष्ठापन में आचार्य भक्ति दी है, तो आचार्य भक्ति कौन सी थी, तो आचार्य भक्ति तो इसमें से अगर आप निकालोगे तो 36 गुण समग्र और फिर पंचव्याचारण आर्यण निचकाल वहाँ तक के आचार्य भक्ति हो जाएगी, और गुरु भक्ति अलग से हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि आचार्य भक्ति और गुरु भक्ति में अंतर क्या है ये आप बता दीजिए, गुरु में तो तीनों आ जाएंगे तो वो तो हम बोल ही रहे हैं आचार्य मात्र आचार्य आचार्य में मात्र आचार्य आएंगे, तो अलग से गुरु भक्ति और आचार्य भक्ति जो अलग से दो अलग अलग भक्तियाँ हैं, आज भले ना उपलब्ध हो लेकिन जब मूलाचार में लिखा है दोनों भक्तियों का, अच्छा तो फिर अलग अलग है ही वो गुरु भक्ति और आचार्य भक्ति बिल्कुल भिन्न है, अपने को मिल नहीं रही मतलब जो चीज उपलब्ध नहीं है उसका अभाव नहीं मान सकते, वो इस काल में उपलब्ध नहीं है, अपन ये नहीं कह सकते कि किसी भी काल में ना रहे, वो गुरु भक्ति के अंचल का है, वो गुरु भक्ति उपलब्ध है आचार्य भक्ति बिल्कुल सही बात है, और गुरु भक्ति मूलाचार में प्रत्याख्यान में जो विनय शुद्धि होती है चार शुद्धियां होती है ना प्रत्याख्यान लेते समय, कौन सी चार शुद्धियां होती है प्रत्याख्यान लेते समय चार शुद्धियां होती है, अनुभाषण शुद्ध, विनय शुद्ध, अनुपालन शुद्ध और भाव शुद्ध, ये प्रत्याख्यान ये चतुर्विध प्रत्याख्यान ये है, और वो चतुर्विध आहार का प्रत्याख्यान बोलने में चतुर्विध प्रत्याख्यान, वास्तव में चतुर्विध प्रत्याख्यान ये प्रत्याख्यान है, अनुभाषण का अर्थ आपको स्पष्ट बोल करके लेना है प्रत्याख्यान, मैं किसका प्रत्याख्यान कर रहा हूँ, वहां गुरु को समझ में नहीं आया कि कल आपका उपवास है और आप लेके चले गए उपवास, तो ये शुद्धि थोड़ी रही हो प्रत्याख्यान में, अनुभाषण शुद्धि समाप्त हो गई आपकी, मतलब रही नहीं वहां समाप्त होने की तो बात ही नहीं, वो कुछ भी हो जाए विधि यही है, विधि यही है, तो वो आचार्य उतने सक्षम होंगे, वो उतने सक्षम होंगे, वो जैसे ही आपने दबा करके आवाज में बोला तो वो आपको टोक देंगे, क्या बोल रहे हो स्पष्ट करो, ऐसा अनुभाषण शुद्ध, फिर विनय शुद्ध,
विनय शुद्ध में लिखा है कि आपको सिद्ध भक्ति, योग भक्ति और गुरु भक्ति करना है। योग भक्ति है, योगी भक्ति नहीं है। अभी अपन सब योगी भक्ति बोल रहे हैं। योग भक्ति, योग भक्ति है। ये तो पुस्तकों में सब अपभ्रंश हो चुका है। वो जो भी कहा हुआ, जो हुआ है उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, जो लिखा है वो हम बता सकते हैं। योग भक्ति ऐसा आता है कि योग भक्ति लिखा है मूलाचार में, योगी भक्ति नहीं। आप षडावश्यक अधिकार देख लीजिए, प्रत्याख्यान आवश्यक। एक चीज और, अभी जैसे आपने बोला गुरु भक्ति है तो उसमें सिर्फ आचार्य भक्ति भी, सिर्फ आचार्य का ही बोलना, जैसे पहले एक भक्ति रखें उसके अलावा उससे संबंध रखने वाले बहुत सारी चीजें, जैसे चैत्य भक्ति में धर्म का भी है, जिनवाणी का भी है, वैसे सब चीजें आ जाती है। असल में चैत्य भक्ति में कुछ विभाग है, उसमें नवदेवता स्तोत्र भी है और वो सब एक प्रकार से अभी जो चैत्य भक्ति उपलब्ध है तो उसमें बहुत सारा संग्रह संकलन हो चुके हैं। संकलन ऐसे नंदीश्वर भक्ति में भी, अब नंदीश्वर का तो कम मिलता है, दूसरा ज्यादा मिलता है, कितनी लोग नहीं। नंदीश्वर भक्ति में नंदीश्वर सद्वीप है, वहां से नंदीश्वर भक्ति शुरू होती है, उसके पहले तो पूरी भूमिका है। दशपद मुकुट तट गत मणिगण कर सलिल धारा धौत क्रम कमल युगल जनपदी। बीच में निर्वाण भूमियां ये वो उसके अतिशय, वहां पर उसका क्या काम है नंदीश्वर भक्ति में? देखो नंदीश्वर भक्ति बहुत लंबी भक्ति हो गई है, उसमें कितनी चीजों का वर्णन हो गया। अब नंदीश्वर भक्ति में आदिनाथ भगवान कहाँ से आ गए? वही तो निर्वाण भूमियों में कितनी सारी चीजें आ गई, वो सब संग्रह हो गया। फिर अब तो ये मूल कहाँ मिलता है, उपलब्ध ही नहीं क्या बस अपने पास? ये जितनी भक्तियाँ होनी चाहिए उपलब्ध तो सब वैसा उस रूप में उपलब्ध है जिस रूप में अपने सामने है, लेकिन अब इसमें से आपको ये समझना होगा कि इसमें से कौन सा भाग वीर निर्वाण भक्ति रूप है। अपन सभी तीर्थंकरों के निर्वाण में सभी तीर्थंकरों का वो करते हैं, जबकि उन तीर्थंकर का अपने को विशेष रूप से करना है जिनका निर्वाण हुआ है, तो वो कैसे करोगे आप? वहां लगता है आपको क्या कि आप अलग से भक्ति कर रहे होंगे, या आपको तो यही लगता है कि आप सभी की कर रहे हैं एक साथ? तो फिर उनका उत्सव अपन ने कहा विशेष रूप से मनाया, केवल इतना कह दिया कि चंपापुरी से निर्वाण को प्राप्त हुए अशुपूज्य तीर्थंकर को अनंत चतुर्दशी के दिन में नैवेद्यम निर्भ मामी थी स्वाहा, जो भी आप चढ़ा रहे हैं ऐसा है ना, उसमें गलत कुछ नहीं है। धर्म ध्यान तो हो ही रहा है, तो धर्म ध्यान की अपेक्षा से पंचम काल में उतना करना बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है। पर यदि अपन प्रतिनियत देखें भक्ति को, तो किन की कौन सी भक्ति है और कौन से पद है, इस पर अपन अपना ध्यान जाएगा। क्योंकि गुरु भक्ति और आचार्य भक्ति ये दो शब्द अपने को मिल रहे हैं प्रत्याख्यान में, गुरु भक्ति और भी स्थान पर मिल रहा है गुरु भक्ति शब्द, और इसमें प्रतिष्ठाओं में आता है कई स्थानों पर आचार्य भक्ति अलग से दी हुई है। पंच प्रतिष्ठाओं के पंडित मधुर है ना, वे भी गुरु भक्ति और एक ऋषि भक्ति भी बोलवाते हैं। ऋषि भक्ति कौन सी? ऋषि भक्ति में शायद आचार्य भक्ति बोलते हैं कि योगी भक्ति ऐसा कुछ। अब जैसे पंच गुरु भक्ति में पांचों परमेष्ठियों की भक्ति है, तो फिर एक एक परमेष्ठी की अलग अलग भक्ति करने में कोई हानि हो सकती क्या? हानि तो हो ही नहीं सकती। उन भक्तियों के होने में कोई आपत्ति हो सकती है क्या? और अवश्य रही होगी वैसे भक्तियाँ, अनंत भक्ति भी रही होगी, सिद्ध भक्ति तो आज तक उपलब्ध है। फिर अरहत भक्ति के नाम से जो अपन निर्यापद शुद्धि में पढ़ते हैं शुरू, तो वो अरहत भक्ति बिल्कुल भिन्न है, उसका निर्यापद शुद्धि से संबंध नहीं है। पर कुछ पुराने विद्वानों ने और आचार्यों ने ऐसी एक व्यवस्था बनाई होगी कि चलो इस बहाने रोज अरहंत भक्ति कर ले, क्योंकि अरहंत भक्ति अलग से है नहीं, इस बहाने अरहंत भक्ति रोज कर लिया करे साधु लोग, ये सारे उद्देश्य होते हैं। तो आज कोई विद्वान अगर बनाए तो कैसे बने? जो आप बोले ना, जो अनुपलब्ध भक्ति उनको भक्तियों के नया निर्माण करे, और इरियापद भक्ति की बजाय अपन अरहंत भक्ति ही करे, मतलब अरहंत भक्ति के स्थान पर अरहंत भक्ति कर, इरियापद भक्ति ना करके। नहीं, इरियापद भक्ति है ही नहीं, इरियापद प्रतिक्रमण है, अरहंत भक्ति उसको इरियापद शुद्धि बोलते हैं, इरियापद भक्ति नहीं होती। और इरियापद शुद्धि श्रावक और श्रमण दोनों के लिए अनिवार्य क्रिया है देव वंदना के पहले, और केवल देव वंदना के पहले करनी होती है। प्रतिक्रमण के समय जो करते हैं वो अलग है,
जो अपना जो दैवसिक और रात्रिक प्रतिक्रमण है उसमें कोई इरियापद से संबंधित अब तो अपन पंक्तियां बोलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देववंदना के पूर्व आप महापुराण में देख लीजिए, आप हरिवंश पुराण में देख लीजिए, श्रावक हो या मुनि हो वो इरियापद शुद्धि करके ही आगे की वंदना करते हैं। पूजा के पहले भी इरियापद शुद्धि बताई, क्योंकि आप जिनके जिनकी पूजा करने जा रहे हो शुद्ध होकर करोगे या अशुद्ध होकर करोगे, तो आपको इरियापद शुद्धि करनी होगी पहले। और इरियापद शुद्धि कैसे करेंगे कि आप चल करके असावधानी से आए, तो आप अगर थोड़ा ध्यान दें कि हम असावधानी से मान लो चले हों तो फिर जीवों की विराधना तो हुई होगी। और जैसे ही आपको ये स्वीकार होगा कि जीवों की विराधना मेरे निमित्त से हुई है तो आपके अंदर ग्लानि उत्पन्न होगी, अगर आपके अंदर करुणा होगी तो उस ग्लानि को शुद्ध कैसे करोगे? इरियापद शुद्धि से, प्रायश्चित से ही तो ग्लानि दूर होती है ना। आत्मग्लानि कैसे दूर होगी? बिना प्रायश्चित के तो आत्मग्लानि दूर नहीं हो सकती। इसीलिए संलेखना के पहले, माता जी सुन रहे हो, संलेखना के पहले तीन काम आवश्यक है। एक तो जीवन भर जितने लोगों से संबंध हुआ है सबको धन्यवाद दे देना कि भाई तुमने जो भी उपकार या अपकार किया हो तो मेरे कर्मों का ऋण ही उतारा है तुमने, तो इसलिए धन्यवाद। ठीक है ना, जितने लोग संपर्क में आए हैं उनको धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? कुछ लोगों ने अच्छा किया है, कुछ लोगों ने बुरा किया है, तो मरण से पूर्व ये तीन काम कर लेने से अपना मन एकदम शांत और हल्का हो जाता है। और वही तो अपन चाहते हैं, समाधि मरने तभी तो हुआ है। तो पहला काम है सबको धन्यवाद दे दिया, सबका आभार मान लिया, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म के उदय में ऋण मुक्ति में सहयोग दिया है। अब अपन क्या करते हैं कि जो अच्छा करते हैं उनसे राग करते हैं, जो बुरा करते हैं उनसे द्वेष करते हैं, तो नया ऋण ले लेते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, नया ऋण लेते हैं कि नहीं, राग द्वेष करने से नया कर्जा हो जाता है। तो अपने को धन्यवाद दे देना सबको, भाई अशुभ कर्म के उदय में तुमने मुझे कष्ट दिया तो इससे मुझे लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? कि वो जो उदय में आया था वो अलग हो गया और मुझे शिक्षा भी मिली। तुमने मुझे आईना दिखा दिया ना, कि अपने अतीत का आईना दिखाया कि नहीं। जिसने मेरे साथ बुरा किया उसने अपने को दर्पण दिखाया कि नहीं, कि तुमने पहले ऐसा किया था तो आज तुम्हें ये झेलना पड़ रहा है, आईना ही तो दिखाया। तो धन्यवाद, अब मुझे ध्यान रखना है कि इसका फल इतना कड़वा होता है, तो अब मैं नए कड़वे फल को पाने की तैयारी ना करूं, ऐसा काम दोबारा ना करूं। तो बुरा करने वाला धन्यवाद का पात्र है या द्वेष का? धन्यवाद का पात्र है। संजय तो मुनिराज पर जो उपसर्ग आया, प्राण घातक उपसर्ग आया, तो उन्होंने ये विचार किया कि सारे केवली उपसर्ग केवली नहीं होते, मुझे मौका मिला। क्या विचारो, आज अपन पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। उन्होंने उस काल में विदेह क्षेत्र से उठा करके उसने विद्युत दंश विद्याधर ने उनको भरत क्षेत्र में डाल दिया, नदियों में, पांच नदियों के संगम में डाल दिया उसने, और विद्याधर से उनके ऊपर शस्त्र प्रहार करवा दिया, अस्त्र चलवा दिया। तब उन्होंने यही विचार किया कि उपसर्ग केवली बिरले होते हैं, चलो अपना देखता हूँ। और जो कार्य मुझे तप के द्वारा साधना था वो कार्य उपसर्ग द्वारा अल्पकाल में सध रहा है, तो मुझे कार्य सिद्धि पर ध्यान देना है, उपसर्ग पर ध्यान नहीं देना। कितनी अच्छी बात है ये कि कष्ट आ गया तो कष्ट से निर्जरा बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? मैं कष्ट में विचलित नहीं हो रहा हूं तो कर्मों की निर्जरा बढ़ रही है। निर्जरा विशुद्धि से बढ़ती है, अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, और ये निर्जरा मेरे सिद्धत्व में साधक है। तो फिर मैं अपना काम करता हूँ, उसको अपना काम करने दो, वो मोक्ष चले गए। और फिर जब उनके जो
पूर्व परिचित थे, उनके जो सगे भाई थे वो धरणेन्द्र पद के धारी थे, जयंत मुनि। तो वो आ जाते हैं और फिर उपसर्ग करने वालों को बिल्कुल ठिकाने लगने को तैयार हो जाते हैं। तो फिर आगे वो कथा चलती है, उनको रोकते हैं, फिर उनकी जो माँ का जीव था रामदत्ता का, हमने बताया भी था एक बार पहले, वो धरणेन्द्र को रोकता है, वो जीव लांतर स्वर्ग में वो देव था। धरणेन्द्र से कहता है कि हे धरणेन्द्र तुम शांत रहो, तुम जानते नहीं हो कि ये कितने जन्मों का हिसाब है। ये जो तुम्हारे भ्राता मोक्ष गए हैं, इनसे ये उपसर्ग करता जो विद्याधर है, ये 8 जन्म पहले से उसने वैर की गांठ बांधी थी, तो इसने कई बार मारा है तुम्हारे भाई को। तुम ये मत समझो कि अभी इस जन्म में इसने वध किया, और इस जन्म में तो उसने जो कुछ किया उससे तुम्हारे भाई का उद्धार हो गया है, वो निर्वाण धाम में विराजमान हो गए, इसलिए कषाय छोड़ दो। बहुत समझाता लेकिन फिर भी धरणेन्द्र विद्याधरों को दंडित करता है, उनकी सब महाविद्याओं को हर लेता है, और फिर शाप देता है कि अब किसी विद्याधर को महाविद्या की सिद्धि नहीं होगी। फिर वो देव उनको और समझाता है, तब थोड़ा और आवेश शांत होता है, तब बोलता है कि ठीक है विद्याधरियों को हो जाएगी, मैं शाप तो पूरा वापस नहीं लूँगा, लेकिन चलो इसमें थोड़ी सी वो कटौती कर देता हूँ कि विद्याधरियों को सिद्ध हो जाएगी विद्या, और वो अगर चाहें तो विद्याधरों को महाविद्या भेंट कर सकती है। तो आज के जो विद्याधर हैं वो धरणेन्द्र के शाप के कारण महाविद्याओं से वंचित है। तो पहली बात है सबको धन्यवाद देनी है, उसके बाद अपने हृदय से पूछना कि देखो मैंने धन्यवाद तो दिया है, तो अब मेरे अंदर कोई खटका तो नहीं अटका है। समझ रहे हैं आप बात को? खटका तो नहीं अटका का मतलब क्या हुआ कि कोई थोड़ी बहुत गांठ तो नहीं रह गई किसी के प्रति, क्योंकि कभी कभी अपन बोलचाल में तो औपचारिक रूप से धन्यवाद या सॉरी और कुछ भी क्या क्या बोल जाते हैं, उसके अर्थ की तरफ ध्यान दिए बिना भी बोल जाते हैं। खम्मामी सब जीवाणु सैकड़ों बार बोलते हैं लोग, पर अंदर वो जो खटका है वो अटका रहता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सबको अनुभव है इसका, और एकदम सत्य निष्ठा से अपने अंतरात्मा से पूछ लो तो वो हाँ में ही उत्तर आएगा कि ऐसा होता है। कई बार जब मन को कोई बात लग जाती है तो फिर अपन क्षमा नहीं कर पाते, भले बोलना पड़ता है, प्रतिक्रमण में तो पाठ है तो फिर बोलना ही पड़ता है खम्मामी, और फिर साथ में सब जीवाणु और बोलना पड़ता है, इतने खतरनाक सब जीवाणु, कितनी बड़ी राशि है जीवों की, अनंत जीव आते हैं सब जीवाणु, लेकिन क्या करें, ठीक है सबको मैं क्षमा करता हूँ लेकिन इसके साथ मेरा मन साफ नहीं होता इसके प्रति। तो अब यहाँ पर अपने मन से कहना कि मैंने सबको धन्यवाद दे दिया है, तो जिनको धन्यवाद दिया जाता है उनके प्रति क्षमा का प्रसंग कैसे आता है? आ ही नहीं सकता, कैसे आ सकता है? जो धन्यवाद का पात्र है वो क्षमा का पात्र कैसे हो सकता है? तो फिर जो भी अंदर बचा खुचा जो है भाव, देखिए वहां पर घर छोड़ने के बाद संलग्न धारण करने की स्थिति में आचार्य समंत भद्र स्वामी क्या कहते हैं, क्या क्या छोड़ना है आपको, बहुत सुंदर क्रम दिया उन्होंने, शोकम भयम अवसादम, इतना बढ़िया क्रम दिया उन्होंने कि इनको भी छोड़ो, अवसाद में मत जाओ। अवसाद क्या होता है? डिप्रेशन, तो सब कुछ छोड़ गया, कुछ नहीं, अनजान गुरु हैं, क्या करेंगे पता नहीं, एकदम ऐसा लगता है कि अब मेरा क्या होगा, कुछ नहीं, मैंने स्वेच्छा से ये मार्ग चुना है, इसलिए अब कोई सुनापन नहीं है, कुछ नहीं, वैसे ही अनादि से मैं अकेला हूं, वो तो लोगों के साथ में मैं थोड़ी देर के लिए मेरा मन उनमें लग जाता है, पर
जब भी देखो, तीन बार सामायिक के समय, तीन बार प्रतिमा योग के समय मैं अकेला ही रहता हूँ। सोते समय भी निद्रा में कौन मेरा साथ देता है? अशुभ के उदय के समय जब मुझे कष्ट होता है तब मेरा कौन साथी होता है? जन्म के समय भी मैं अकेला, मरण के समय भी अकेला, कर्म फल के समय भी मैं अकेला, वास्तव में मैं अकेला ही हूँ। तो फिर क्या उदास होना? आना जाना तो चलता रहता है। ट्रेन का जो डब्बा है वो वही डब्बा रहता है, पैसेंजर के उतरने के बाद भी, चढ़ने के बाद भी वही डब्बा रहता है। तो वैसे मेरी आत्मा है, कई पैसेंजर आते हैं, कुछ शुभ कर्म के रूप में, कुछ अशुभ कर्म के रूप में आते हैं, ठहरते हैं, उतर के चले जाते हैं अपने अपने स्टेशन पर अपना फल देकर। कुछ पैसेंजर लोग अंदर बीड़ी का धुआं करते हैं, कुछ पैसेंजर लोग तंबाकू थूक देते हैं, कुछ पैसेंजर और उपद्रव करते हैं, पर डब्बा तो वही रहता है। तो ये सारी बातें हैं, इसमें क्या है कि तीन काम जो अपने को करना है मरण से पूर्व। पहला काम है सबको धन्यवाद दे दिया, दूसरा काम है दूसरों को क्षमा कर दो, और तीसरा काम है अपने को क्षमा करना, और अपने को क्षमा करने के लिए प्रायश्चित करना। उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं उसको, वो अंतिम प्रायश्चित है, क्षपक अथवा क्षपिका का, और उससे मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, और तब जाकर के समाधि मरण होता है। अपने भाव जो है आदि व्याधि उपाधियों से उठ जाते हैं, सब छोड़ दो, कुछ नहीं बचा। धन्यवाद देकर दूसरों को क्षमा कर दिया, प्रायश्चित लेकर अपने को क्षमा कर लिया। और इसके बाद फिर आप परमेश्वर का ध्यान करो, इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि अब मैंने फुर्सत में ध्यान लगाया, अभी तक तो व्यस्त होकर के ध्यान कर रहा था। तो माता जी क्या काम करने अपने को अंत में? सबको धन्यवाद दे देना, सबको क्षमा कर देना, और अपने को क्षमा करने के लिए, क्योंकि अपनी गलती अपने को चुभती है ना, अच्छा नहीं लगता है कि मैंने गलती की है, पर क्या करूं, मनुष्य हूं, चाहे व्रती हूं या महाव्रती हूं, लेकिन मनुष्य होने के कारण त्रुटियां हो जाती है। तो अब उसके लिए क्या करना है? प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करने से आत्मा आत्मा को क्षमा कर देती है। तो इतना इतने काम करने से वो दूसरों को क्षमा करने के लिए उनका आभार मान लो, धन्यवाद दे दो, धन्यवाद देने से दूसरों को क्षमा हो जाती, और प्रायश्चित करने से अपने आप को अपन क्षमा कर देते। जब अपन ने दोनों को क्षमा कर दिया तो अपन फ्री हो गए, अपन मुक्त हो गए कि नहीं? क्षमा उस ताले की चाबी है जो ताला अपने ही कमरे के बाहर लगा है। समझ में आया? अपन एक कमरे में बंद है और बाहर ताला लगा हुआ है, उस ताले की चाबी क्षमा है। और जैसे अपन चाबी लगाते हैं क्षमा की, पर क्षमा और स्व क्षमा, तो अपन मुक्त हो जाते हैं इस बंधन से। और मुक्त होकर के जब अपन ये संलेखना के समय में ये बात बहुत आवश्यक है, सबको क्षमा कर देना, स्वयं को क्षमा करने के लिए प्रायश्चित ले लेना, और प्रायश्चित करने के बाद मन हल्का होता है हमेशा। एक बार एक गुरु से कोई विद्वान पूछने लगे कि आपकी दीक्षा कब हुई, तो वो प्रतिक्रमण करके आए हुए थे, बोले कि अभी अभी हुई। बोले अभी हुई?
मैं तो सुना कि बहुत पुराने हो आप। तो बोले जब भी साधु प्रतिक्रमण करते हैं तो वो नवदीक्षित वत् स्वच्छ हो जाते हैं, इस अपेक्षा से मैंने कहा। ज्ञान सागर महाराज जी की घटना, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रायश्चित हो जाता है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित के प्रायश्चित में आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोप स्थापना, दूसरा प्रायश्चित प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण हो तो हल्कापन आए बिना रह नहीं सकता। तो प्रतिक्रमण जो पाठ है वो द्रव्य प्रतिक्रमण है, और प्रतिक्रमण के समय जो अपने अंदर विशुद्धि आती है वो भाव प्रतिक्रमण है। मूलाचार प्रदीप में लिखा है कि गलती करने के बाद जब साधु प्रतिक्रमण करते हैं और उनकी आंखों में कभी आंसू आ जाते हैं वो भाव प्रतिक्रमण है। पश्चाताप सज्जनता का चिन्ह है। आंसू दुर्जन को नहीं आते। दोष करके दुर्जन ऐंठता है और दोष करके सज्जन प्रायश्चित को बैठता है। पीड़ा के आंसू सबको आते हैं, लेकिन करुणा के आंसू, भक्ति के आंसू, प्रायश्चित के आंसू और आह्लाद के आंसू सबको नहीं आते। जो उन भावों का स्पर्श करते हैं उन्हीं को आते हैं। और यदि लंबे समय तक भक्ति के आंसू ना आए तब समझना कि कुछ कमी आ रही मेरे अंदर। मेरी मति को क्या हो रहा है? जो भक्ति के आंसू अटक गए हैं लंबे दिनों बड़े दिनों से, क्या कारण है? तो अपने को ये निश्चित करना होगा कि मेरा अहंकार बढ़ गया होगा इसलिए भक्ति के आंसू नहीं आ रहे। तो फिर आप फिर छोटा बन जाएंगे और भगवान को बड़ा बना दीजिए। तो वो जितना बड़े हो जाएंगे और आप जितने छोटे हो जाएंगे तो वापस आपकी भक्ति जीवंत हो जाएगी। आप भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं इसका मतलब आपकी भक्ति समाप्त नहीं हुई है, लेकिन आपकी भक्ति आईसीयू में है। वो सही उपचार हो जाए, आप एकदम छूटे जाए, नीचे वृत्ति बोलते हैं उसको, और उनको एकदम बड़ा बना दें तो फिर अपने आप प्रवाह होना प्रारंभ हो जाएगा। अधिक दिनों तक सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धा की आंख को सुखी नहीं रख सकता, न तो श्रद्धा की आंख खराब हो जाएगी। आंखों को भी मॉइस्चर चाहिए, गीलापन चाहिए, वो भक्ति के आंसू से आंखें ठीक होती है। तो अपना जो विषय चल रहा था वो वासुपूज भगवान की स्तुति में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो कथन किया है कि जिनेंद्र भगवान की अर्चना कोई भी गृहस्थ बिना जीव विराधना के नहीं कर सकता, लेकिन जीव विराधना का जो दोष है वो अल्प है, और भक्ति का जो पुण्य सागर है वो विशाल है। इसलिए जैसे शीतल और तृप्तिकारक समुद्र के जल में एक विष की बूंद दोषकारक नहीं होती, उसी प्रकार जो पूजा संबंधी आरंभ जनित दोष है वह पूजा की विशुद्धि के समक्ष नगण्य हो जाता है।
राजगृह में आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार में मनुष्यों के शिक्षा व्रत में तिर्यंच के आदर्श को प्रस्तुत किया। भैया वृत्ति शिक्षा व्रत में उन्होंने मेंढक का उदाहरण दिया है और बड़ी बड़ी पूजा करने वाले सौधर्मेंद्र आदि का उदाहरण नहीं दिया, मेंढक का उदाहरण दिया। बेडुक मराठी में बोलते क्या कहा उन्होंने, अरहत चरण संपर्या महान भाव महात्मना मवदत भीक प्रमोद मत्त कुसुमी नैकेन राजगृहे। आचार्य सनंतभद्र स्वामी कहते हैं राजगृहे स्थान का नाम बताए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों दिए, द्रव्य कौन है वो मेंढक भी है और पूजा द्रव्य जो उसके मुंह में फूल है वो भी है, ये पूजक द्रव्य है वो पूजा द्रव्य है, द्रव्य से बाहर तो कोई जा नहीं सकता। फिर क्षेत्र क्या है, राजगृह, काल कौन सा है जिस काल में महावीर भगवान वहां पधारे हुए हैं राजगृह नगरी में, पास में जो पंचपाड़ी है वहां, और भाव क्या है, प्रमोद मत्त, प्रमोद का अर्थ होता है हर्ष और मत्त का अर्थ होता है पागल, खुशी से मतवाला वो मेंढक, और कोई विशेषण नहीं दिया आचार्य सनंतभद्र स्वामी ने, वो खुशी से पागल हो गया था मेंढक कि मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, अपना द्रव्य लेकर जा रहा हूँ, अपना द्रव्य लेकर जा रहा हूँ, अपना द्रव्य लेकर जा रहा हूँ, और उसने फूल को तोड़ा नहीं था, अखंड रखा था। उमा स्वामी श्रावकाचार में लिखा है कि फूल को तोड़ने से दोष लगता है, तोड़ने का अर्थ वहां पर खंडित करना है, फूल को पौधे से तोड़ना नहीं है, फूल को तोड़ना है। तो फूल टूटा ही नहीं हो तो पेड़ टूटा है देखा जाए तो, वहां तो ऐसा बोले जाए ना, फूल को वो बोले कि फूल को अलग करना फूल को तोड़ना बोले नहीं। तो वहां जो लिखा हुआ है वो पुष्प का छेदन भेदन करने से दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष होता है, मुनि हत्या के समान दोष लगता है। तो वो कौन से फूल को के छेदन भेदन से मुनि हत्या के समान दोष लगता है, जो आप भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं उसका छेदन भेदन करने से ऐसा दोष लगता है। खंडित फूल चढ़ाने से मुनि हत्या का पाठ है कि ऐसे नहीं चढ़ाना और ऐसे ही तोड़ा तो भी मुनि हत्या का। पूजा के द्रव्य विषयक चर्चा चल रही है, प्रकरण पूरा पूजा का चल रहा है, हम श्लोक का पढ़ के सुना था, अपन असल में कथा में कभी विषयांतर जाता है ना तो फिर वो जो भाव की धारा होती है वो भी अन्यत्र चली जाती है। अभी अपन एकदम लीन होकर के उस भाव की धारा में चल रहे थे, अभी अपन देख लेते हैं उस विषय को।
पूजन के समय, देखिए ये 130 नंबर श्लोक है, शौकाचार संग्रह भाग 3 पृष्ठ 163 पर। नैव पुष्पं द्विधा कुर्यान् न छिन्द्यान् न छिन्द्यात् कलिकामपि। नैव पुष्पं द्विधा कुर्यान् न छिन्द्यात् कलिकामपि चंपकोत्पल भेदेन यति हत्या समं फलम्। फूल के दो टुकड़े न करें और कलिका का छेदन न करें। कुर्यात विधिलिंग का प्रयोग किया, चंपक अथवा उत्पल के टुकड़े करने से यति हत्या के समान फल होता है। अब इसका उन्होंने जो प्रचार किया है, जो पुष्प को अमान्य करने वाला वर्ग है, उन्होंने ये प्रचार किया है कि देखो ये लिखा है शास्त्र में, फूल तोड़ने से मुनि हत्या का पाप लगता है। ये क्या लिखा है इसमें, नैव पुष्पं द्विधा कुर्यात्। द्विधा का अर्थ क्या होता है, दो भाग न करें फूल के, और न छिंध्यात् कलिकामपि, कली का छेदन न करें। ये लवंग जो होती है पूरी कलियां होती है और उनको लोग वहां से ले करके धूप में सुखाते हैं। लवंग के पेड़ वहां पर थे कुंदाद्री में नीचे पुजारी के घर, उसके बगीचे में लवंग के पेड़ थे, तो लवंग गुच्छे के गुच्छे लवंग आते हैं पेड़ पर और उनको तोड़ करके वो कच्ची कली को धूप में सुखाते हैं। किसी भी लवंग के ऊपर आपको ऐसा गोल दिख जाए तो निश्चित समझ लेना कि वो पुष्प ना होकर के कलिका है, क्योंकि पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है वो ऐसे खुली होती है और ये जो बंद पंखुड़ी वाले हैं ये कलिका है, पुष्प नहीं है। तो न छिंध्यात कलिकाम अपि, लौंग को निर्दोष मान रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। पूजा में लवंग है ही नहीं कोई द्रव्य, जब है ही नहीं लवंग नाम का कोई द्रव्य है क्या पूजा में, कि सर्वौषधि वगैरह डालना रहता है इसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें। लवंग का जो चूर्ण होता है वो धूप में डाला जाता है, सर्वौषधि में लवंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी जो लवंग चढ़ रही है कौन से द्रव्य में चढ़ रही है, पुष्प और फल में चढ़ रही है, तो पुष्प और फल की श्रेणी में लवंग आती है क्या। आपने भी बताया ना कि वो कली को सुखाते हैं, तो किसी की भी नहीं सुखाते कोई भी द्रव्य के हिसाब से, तो वो कली को सुखाने से वो दोष तो लगेगा ही ना, वो लवंग प्रयोग कैसे करना, चाहे धूप में करो चाहे सर्वौषधि करो, सुखी तो कली ही है ना। दो प्रकार की लवंग होती है सुखी हुई, एक वो जो फूल बनकर के सुखी है उसके ऊपर आपको एक गोल आकृति नहीं मिलेगी और इतनी छटाई अपन कर सकते जैसे चावल बीन करके उसमें से जो पृथक करना उसको पृथक करते हैं और सही को अपने पास रख लेते हैं, उसी प्रकार लवंग ये तो एक पूरा चलता ही है काम, क्योंकि लवंग एक उपयोगी वस्तु है, औषध का काम करती है। औषध के रूप की बात अलग कर रहे हैं, औषध की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सर्वौषध जो है वो औषध की श्रेणी में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर 8 द्रव्यों की बात चल रही है। 8 द्रव्यों में लवंग नाम का द्रव्य फल के अंतर्गत बताया शुद्ध पूजा में, बादाम छुहारी लौंग सुपारी, सुना है आपने, सबको स्मरण है ये तो, सरस्वती पूजा में है ना, वहां पर लौंग क्या है, फल है, तो ये वाले लौंग फल है क्या, लौंग का फल देखा है क्या किसी ने, आपने एक बार फोटो दिखाया, फोटो दिखाया था हमने, अभी अगर देखो फोटो फिर से देख लो कोई बात नहीं, उसमें भी आता है
कंकोल केला गुड़ सुप्रेम लवंग मिश्रित करंच देना। लवंग के फल का प्रयोग होता है कहीं पर आजकल तो कहीं यूज होता है निश्चित होता होगा फल कहीं। देखो आपको सूखे हुए लवंग के फल देखना है तो वो देख लीजिए और गीले देखना है तो वो भी देख लीजिए। बिल्कुल जामुन जैसा होता है। हम दोनों दिखाई देते हैं और फूल भी दिखाते हैं और कली भी दिखाते हैं जो चारों दिखा देते हैं। अब इसको देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या है कि कई बातें अपन अनजाने में करते हैं ना। तो जानने का जो दरवाजा है ज्ञान के जो द्वार है उनको खुला रखना बहुत आवश्यक है। तो सर्वौषधि वगैरह में लवंग के फल का चूर्ण डालना कि वो लवंग की वो जो नीचे का जो रहता है सर्वौषध में जिस लवंग के पास औषध गुण है उसका प्रयोग करना है जिसमें से तेल निकल सकता है वो। तेल तो कली वाले में से निकलता है। अरे तेल वो लोग निकाल करके बेचते हैं और अपन यहाँ जो खरीदने वाले हैं वो सूखी वाली लवंग खरीदने वाले। आप देखना लवंग में खुशबू किसी में बहुत तेज आती है और किसी में कम आती है और आप मुंह में चबाओगे ना लवंग को तो पूरा मुंह एकदम उसके स्वाद से भर जाएगा अगर उसमें तेल होगा तो। मुंह जलने लगता है लौंग अगर पूरे तेल से भरी हुई लौंग है तो मुंह जलने लग जाता है। ये लौंग का फल है। अब ये जहाँ पर ये इसके पेड़ होंगे वहीं से लाएंगे ना और कहाँ से लाएंगे। बाजार की बात नहीं है ये उतना सुलभ वृक्ष नहीं होता ना लौंग का दुर्लभ होता है। अब इसमें फूल और कली दोनों देख सकते हैं। फूल जो है वो सफेद रंग का और कली जो है बंद है। अब इसके बाद में ये फल आएगा फूल होने के बाद में फूल के बाद में जो फूल के बाद उसके बाद में फल बनेगा। अब ये क्या है आप विचार कर लीजिए तो कली ये मिला लो इसके साथ ये क्या है और ये देख लीजिए आप ये क्या है। और ये पूरा लौंग का वृक्ष है इसमें सारी चीजें ये सूखी हुई लौंग है तो पता नहीं दिखेगा कि थोड़ा डार के लौंग ये फल है फल है ये फल है ये चला सकते हैं बिल्कुल ये चला सकता है हरड़ जैसा दिखता है। ये जो लौंग के जो पूरे पैकेट्स आते हैं उनमें कभी एकाध निकल आते हैं ये है लौंग का फल। तो ये सारी बातें अपने को कुछ नई जानकारियाँ नहीं मिल रही है तो फिर उसमें अपने ज्ञान के संग्रह में उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि उसके दो टुकड़े करने से आपको दोष लगेगा। वो कौन से लोग वो लिखा है क्या उसमें दीक्षा विधि में क्या लिखा है आप देख लीजिए। हाँ क्रियाकलाप में लिखा हुआ लवंग लवंग ऐसे विधि में लिखा है बता दो दीक्षा विधि अपने सामने है ये है ना सामने हमारे पास संस्कृत में पूरी दीक्षा विधि और पूजा में आता है लवंग आदि से जाप करें तो लवंग दीक्षा संस्कार पर फल लवंग डालना की वो अलग ही लवंग डालना पहले पढ़ तो लेते अपन क्या लिखा यह दीक्षा विधि बृहद दीक्षा विधि। दीक्षा लेने से पहले स्नान कराना जरूरी होता है ऐसा लिखा स्नानादिकं कारयित्वा यथा योग्यालंकार युक्तं महामहोत्सवेन चैत्यालये समानयेत् सदैव शास्त्र गुरु पूजां विधाय वैराग्य भावना पर सर्वे सह क्षमां कृत्वा गुरोरग्रे तिष्ठेत् अथ तद्विधि।
बृहद दीक्षायाम लोचस स्वीकार क्रियायाम पूर्वाचार्या पूर्वाचार्य इत्यादि कम उच्चार्य सिद्ध योगी भक्ति भक्ति कृत्वा, यहाँ पर योगी भक्ति शब्द मिल रहा है प्रभाचंद आचार्य ने दिया, तो फिर उधर मूलाचार में योग भक्ति है। तो हो सकता है कि योग और योगी में कथनचित अभेद करके देते होंगे, योगो विद्यते यशो, जैसे ध्यान साधु को ध्यान मूर्ति बोल रहे हैं, तो साक्षात ध्यान रूप है ऐसा बोलते हैं ना, जबकि ध्यान तो एक भाव है, पर साधु को ही ध्यान बोल देते हैं, वैसे अभेद भी हो जाता है। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणाशीष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति, अब यहाँ पर लोग दोष जोड़ करके पढ़ते हैं, प्रक्षीणाशीष दोष कल्मषाय, आपने बोला तब से हमने छोड़ दिया, ये मूल यहाँ लिखा हुआ है, मूल मंत्र है संस्कृत, पूरी विधि में दिया हुआ है। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणाशेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्य विनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम क्षाम है, क्षाम है, क्षामर नहीं है, क्षाम डामर क्षामर नहीं था, क्षाम का अर्थ होता है खाली, खाली का खाली पेट को क्षाम बोलते हैं, डामर यानी उपद्रवी शक्ति, क्षाम डामर यानी जो भूखी शक्तियां आपको नष्ट करना चाहती है, सर्व क्षाम डामर विनाश, विनाश का अर्थ यहाँ पर उसकी उसका वध नहीं होता, उसकी वैसी भावना का विनाश होता है, अभिप्राय को ग्रहण करना। ओम राम ह्रीम रूम रोम रह असियावसा, फिर उसका नाम लेना है सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और अपन अपने लिए कर रहे हैं तो मम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, अन्य के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम लेना है। ये महाशक्ति संपन्न मंत्र है, बृहद शांति मंत्र कहते हैं इसको। इत्यनेन मंत्रेण गंधोदकादिकं त्रिवारं मंत्रयित्वा शिरसिक निक्षेपेत, इस तरह से इस मंत्र द्वारा गंधोदक को 3 बार मंत्रित करके वो आचार्य दीक्षार्थी के सिर पर 3 बार, अच्छा 3 बार मंत्रित करके दीक्षार्थी के सिर पर डाल दे। इसके बाद शांति मंत्रेण गंधोदकं त्रिपरिषिच्य, शांति मंत्र पूर्वक गंधोदक को 3 बार सिंचित करके मस्तक को वाम हस्ते न स्पर्शित, बाएं हाथ से छुए, सबको अपने गुरु के हाथ का स्पर्श स्मरण होगा जिनने जिनने दीक्षा ली, कि बाएं हाथ से जब उनने सिर को छुआ था तो कैसे अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि उनने अपने अंदर का एक भंडार अपने अंदर डाल दिया। तत उसके उपरांत ततो दध्यक्षत गोमय दूर्वांकुरान मस्तके वर्धमान मंत्रेण निक्षिपेत, इनका निक्षेप करें मतलब रखें इनको, क्षिपेत का अर्थ होता है डालें और निक्षेप का अर्थ होता है रखें, और फिर क्या करें, ओम नमो भयवरो बड्ढमाणस ऋषहस्त चक्रम जलंतम गच्छे आयासम पायालम लुयाणम भुयाणम जय वा विवादे वा थम्बणे वा रणंगणे वा रायंगणे वा मोहणे वा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा। इसका क्या विशेष प्रभाव, इसमें मे शब्द नहीं है, तो उसका ते बोलना नहीं, नहीं नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसे ही है। इस मंत्र की क्या विशेषता है, इस मंत्र में अर्थ अपन करें तो ओम नमो भयवदो बड्ढमाणस ऋषहस्त, मैं भगवान वर्धमान और ऋषभ के लिए नमस्कार करता हूँ, और फिर चक्कम जलंतम गच्छे जाज्वल्यमान चक्र जा रहा है कच्छे आयासम पायालम लोयाण आकाश पाताल तीनों लोक में भूयाण प्राणियों में जय वा विवादे वा थम्बणे वा रणंगणे वा रायंगणे वा मोहणे वा विजय विवाद स्तंभन रणांगण राजांगण
फिर मोहन, इन सब में सब जीव सत्ता है, सर्व जीव सत्वों के प्रति या सर्व जीव सत्वों के मध्य अपराजित हो भवत। इसका अर्थ क्या बनेगा? आप पराजित हो जाए रख रख स्व, इसको बहुत शांति से इसको चक्र बैठा कर जा रहा है वो। नहीं, वो चक्र कौन सा चक्र है? सहस्र अंत तो ऐसा रि सहस्र चक्र, सहस्र चक्र वो जिसमें है रि सहस्र, सहस्र चक्र इसका ऋषा। अथवा ऐसा ले कि ओम नमो भगवतो वर्धमानस, नाम तो इसका वर्धमान मंत्र, तो भगवान वर्धमान के लिए नमस्कार कर दिया, यहाँ तक के मूल हो गया। इसके बाद रेसहस्त चक्र, वृषभ का जो चक्र है वह वृषभ का जो ऋषभ का जो चक्र है धर्म चक्र, धर्म चक्र है ना, श्रेष्ठ हो जाएगा। पर वो जब किसी के साथ लगाते हैं तब श्रेष्ठ होता है, अन्यथा वृषभ शब्द का अर्थ सांड होता है। उनका उसका चक्र जो जलंतम ज्वाज्वल्यमान है, तो ये इसको निकालना होगा। अपन मूल विषय को देखते हैं, इसमें मोहन है कि मोहन है, वह मोहनी लिखा, मोहिनी है, मोहनी मोहनी से लवंग का देख रहे थे, लवंग का ही देख रहे हैं। अब इसमें एकदम साफ लिखा है कि ओम ह्रीम अरहम असि आओ सा ह्रीम स्वाहा, अनेन मंत्रेण जाप्यम अष्टोत्तर शतम दद्यात। इस मंत्र द्वारा 108 जाप दे, ये दीक्षार्थी की दीक्षा विधि में बता रहे हैं। फिर गुरु शिरसि श्रीकारम लिखित्वा जाप्यम दद्यात, पहले गुरु महाराज उनके सिर पर श्री लिख करके फिर ये जाप देवे। अब श्रीकार कैसे लिखना है? तो आचे वहां नीचे लिखा हुआ गुरु तस्यांजलो केशर कर्पूर श्रीखंडेन श्रीकारं कुर्यात्। पहले मस्तक पहले, पहले ऊपर शीर्षम प्रक्षाल्य गुरु भक्तिं दत्त्वा वस्त्राभरण यज्ञोपवीतादिकं परित्यज्य तत्रैवावस्थाय दीक्षां याचयेत्। श्रीखंड तो चंदन ही होता है ना? हाँ, श्रीखंड चंदन होता है। कोई जाति है चंदन की, चंदन का ही पर्याय श्रीखंड में जाति हो गई। इसमें कहीं भी लवंग का उल्लेख नहीं आ रहा है मूल विधि में। इति पठन तंडुले रंजनम पूरयेत तदुपरि नालिकेरम पूगी फलं च धृत्वा, नारियल और पूगी फल का अर्थ सुपारी, सुपारी तो उनको धारण करके सिद्ध चारित्र योगी भक्तिं पठित्वा व्रतादिकं धृत्वा, तीन भक्ति पढ़कर व्रत आदि प्रदान करें। तो ये एक चर्चा निकल गया आज।